नोएडा सेक्टर 58 के पार्क में नमाज की इजाजत नहीं मिलने के बाद आज लोगों ने सेक्टर 63 के पार्क में नमाज अदा की। इस पार्क में करीब 300 लोगों ने नमाज पढ़ी। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। नोएडा के इस पार्क में नमाज समेत किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक है। पुलिस ने आसपास की कंपनियों को नोटिस भी भेजा था, जिसमें कंपनी के मालिकों से कहा गया था कि अगर उनके कर्मचारी खुले में नमाज पढ़ते हुए पाए जाएंगे तो कंपनी पर कार्रवाई होगी। खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के पीछे पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। नमाज सार्वजनिक जगहों पर तो ये कानून प्रावधान पुराना ही है कि धार्मिक क्रियाकलाप बिना स्थानीय प्रशासन के सर्वेक्षण पर्यवेक्षण और उसकी पूरी आकलन के अनुमति के नहीं होते, चाहे वो मुस्लिम करें या हिंदू करें।